नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाईपोल ऑफ लेंथ टेन सेंटीमीटर एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ फाइव हंड्रेड माइक्रोकुलम एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर विल बी और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं नाउ कॉन्फिग्रेशन अपने इस प्रकार है कि यह आपका एक चार्ज है माइनस क्यू और ये आपका एक और चार्ज है प्लस क्यू और ये आपका कोई पॉइंट पी है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है डायमेंशन जो दे रखे हैं वो हैं आपके 10 सेंटीमीटर और यहाँ से आपका दूसरा डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर राइट नाउ इस केस में अगर ये आपका डाइपोल है दो चार्जेस रखे हैं यहाँ पे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो है अपने डायपोल की एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के पी ये आती है टू के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं कुछ किताबों में डायरेक्ट इसका आंसर इस फॉर्मूले के बेसिस पर दिया होता है ये आंसर गलत है फॉर द सिंपल रीज़न कि ये कॉन्फिग्रेशन इसका नाम हमने डाईपोल दिया हुआ है लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं उस टाइम पे हमारा ये एजम्पन होता है कि ये मान लो डिस्टेंस डी है और ये सेंटर से यहाँ तक आपका डिस्टेंस आर है हमारा एजम्पन ये होता है कि डी ई शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर उसी एजम्पशन के बेसिस पे ये फॉर्मूला आता है इसको हम यह डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं कुछ किताबों में इसी के बेसिस पे आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है क्लास में कुछ लोग इसको डायरेक्ट इसी फॉमूले पे सॉल्व भी करवा देते हैं जो कि गलत है यहाँ पे जो आपकी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सो आपकी ई नेट विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई और ई इसकी वजह से और ई इसकी वजह से आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएंगी उनको हमें ऐड करना होगा वो आपको इसका सही आंसर देगा सो ई e नेट की जो वैल्यू आएगी इसकी वजह से दैट विल बी इक्वल टू के हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई उसको हम लिखते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर यह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सो so, इसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस 30 इंटू टेन टू द माइनस टू इसका स्क्वायर होएगा प्लस के मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 इंटू टेन टू द माइनस टू का स्क्वायर होएगा यह आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करके देगा सो so, इसमें से अगर हम वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय ये बच जाएगा टेन टू पावर माइनस वन उसका स्क्वायर टेन टू पावर माइनस टू इसको हम बाहर ले लें तो ये बचा माइनस के साथ वन बाय नाइन प्लस ये बचेगा वन बाय फोर सो के क्यू कॉमन आ गया ये टेन टू दी पावर माइनस वन तो माइनस टू ये हो गया है सो so वन ये आ गया है ना अब इसका एल्सियम जब लेंगे तो एल्सियम इसका आएगा थर्टी सिक्स यहाँ आएगा फ़ोर यहाँ आएगा नाइन तो ये बचा फाइव बाय थर्टी सिक्स और ये ऊपर ले आते हैं तो फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई के क्यू ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा अब हमें यहाँ पर बस के और क्यू का डेटा डालना रह गया है हालांकि सो so इसको हम लिख लेते हैं फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड के यानी कि नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाय क्यू क्यू की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है फाइव हंड्रेड माइक्रोकुलम सो ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड इन टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स सो इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर आएगा यहाँ से नाइन से कैलकुलेट हो गया नीचे रह गया फोर फोर सो ये हो गया ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाय बस टेन की पावर देखनी है सो ये नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन उसमें से सिक्स माइनस कर देंगे सो टेन टू द पावर सेवन सो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू होगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर जो है होना चाहिए सो दैट विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पॉवर सेवन न्यूटन पर कुलम ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर